अशोक जी, क्या आपको लगता है अभी इस वक्त किस स्टेटस पर है, मतलब किस पोजीशन पर है मधुर? देखिए, मधुर इस बहुत ही सेफ ग्राउंड पे है, बिकॉज मुझे लगता है कि जो उसको बेल मिली है, बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे सेक्शन जो लगाए जाते हैं एक्यूज के ऊपर, उसको बेल मिलना। मैं लीगली नहीं ज़्यादा बात करूँगा बिकॉज केस जो है कोर्ट में है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि केस का तथ्य जो है, वो जो एक्यूज़ किया हुआ उसके ऊपर, उसमें कोई बेस नहीं है। इट्स बहुत फ्रिवलस है और बहुत नॉनसेंसिकल एक्यूजिशन है, क्योंकि लोग भी इस केस को सुनते हैं, चाहे वो औरतें हैं चाहे वो लड़कियाँ हैं। जब एनालाइज करते हैं इस केस को तो सब बेसिकली हंसते हैं। कोर्ट में भी मैंने अपनी आंखों से देखा लॉयर, तो मुझे लगता है कि एंटायर केस इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक, क्योंकि कोर्ट में भी जब हियरिंग चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस हिसाब से जो बाकी लॉयर्स जो आए थे केस सुनने के लिए, कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे, तो जिस किस्म से एक्यूजेशंस लगाई जा रही थी इसके ऊपर, वो बहुत लग रहा था कि काफ़ी ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। उसका कोई तथ्य नहीं था, देयर इज नो बेस इन एलिगेशंस ऑन मधुर। आप ये कहते हैं कि 5 साल आप इनके साथ थी और 5 साल में इन्होंने आप पर 16 बार बलात्कार किया, तो मुझे लगता है कि एंटायर केस इज बिकम अ लाफिंग स्टॉक, क्योंकि कोर्ट में भी जब हियरिंग चल रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा कि जिस हिसाब से जो बाकी लॉयर्स जो आए थे केस सुनने के लिए, कुछ लोग बैठे थे वहाँ पे, तो जिस किस्म से एक्यूजेशंस लगाई जा रही थी इसके ऊपर, वो बहुत लग रहा था कि काफ़ी ड्रामा क्रिएट किया हुआ है। उसका कोई तथ्य नहीं था, देयर इज नो बेस इन एलिगेशंस ऑन मधुर। आप ये कहते हैं कि 5 साल आप इनके साथ थी और 5 साल में इन्होंने आप पर 16 बार बलात्कार किया, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो मधुर का तो बाद में आता है। आपका 5 साल इसके साथ रहना और उसके साथ रिलेशनशिप डेवलप करना और फिर कहना कि मेरा बलात्कार हुआ, तो बहुत बड़ा सवाल जो है वो आपके कैरेक्टर पर पहले उठता है, उसके बाद मधुर की बात हम करते हैं। तो और आप कहती हैं कि मुझे प्रॉमिस किया गया था कि हीरोइन के लिए कास्ट करूंगा, रोल दूंगा, वो भी नहीं दिया, फिर कहा कि मुझसे शादी करेगा, वो भी नहीं किया। तो मेरा कि हर आम आदमी ये पूछता है कि अगर आपको ये रोल मिल गया होता 16 बार बलात्कार आपके हिसाब से करने के बाद, तो क्या आप पुलिस स्टेशन जाती हैं कंप्लेंट करने के लिए? तब फिर वो इश्क में बदल जाता अगर आपको रोल मिल गया होता तो। और इसकी शादी तो दिसंबर में हुई थी, तो दिसंबर में जब शादी हुई मधुर की और पूरी दुनिया को पता चल गया था, प्रेस हैड कवर्ड इट दैट ही इज गेटिंग मैरिड एंड ऑल दैट, तो मुझे लगता है कि इसको शादी के मंडप में पहुंच जाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि शादी नहीं हो सकती जिस तरीके से फिल्मों में होता है। एंड यू शुड हैव ऑब्जेक्टेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर व्हेन ही गॉट मैरिड। आज अगस्त का महीना आ गया, तो आपके जो ऑब्जेक्शन हैं जो आप एक्यूज़ कर रही हैं उसके ऊपर कि इसने ये नहीं किया मेरे साथ, इसने ये नहीं किया मेरे साथ, उसके लिए काफ़ी टाइम गुजर चुका है। तो बेसिकली ट्रेजेडी ये है कि जो रियल रेप विक्टिम अदरवाइज होगा उसका भी केस सीरियसली नहीं लिया जाएगा अभी। सो इस पूरे जो कंट्री में ऐसे हादसे हो रहे हैं, गाँव में हो रहे हैं, रियल बलात्कार हो रहे हैं, बाप बेटी का बलात्कार कर रहा है, जो रियल रेप विक्टिम्स है हु शुड बी हैंग्ड बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ केसेस, इट नॉट बी टेकन सीरियसली, बिकॉज इस केस में तो इट्स अ केस ऑफ द एंटायर केस इज नथिंग एल्स बट अ केस ऑफ ब्लैकमेलिंग। और बहुत सीधी सरल सी बात है कि आपने अगर मुझे हीरोइन बना दिया होता तो मैं कंप्लेंट नहीं करती। तो आपका जो मुद्दा है कि मेरा बलात्कार हुआ, वो कनेक्टेड है रोल से, वो कनेक्टेड है शादी से, और ये दोनों चीज़ें अगर ये प्रॉमिस फुलफिल कर दी होती, शादी नहीं कम से कम रोल दे दिया होता, तो ये बलात्कार नहीं होता, ये बलात्कार जो है वो इश्क में बदल गया होता। एंड आई वेंट अराउंड विद माई डायरेक्टर बिकॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाई हिम, आई लुक्ड अप। फिर ऐसे सेंटेंसेस का जो है वो लड़कियाँ इस्तेमाल करती हैं, ये मैं इनका ओरा है जो मुझे खींचता है अपनी तरफ, व्हाट अ ब्रिलियंट डायरेक्टर ही इज, सो आई फॉल इन लव विद। फिर एक अलग तरीके से अलग भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाता है, यू नो ये लड़कियाँ इस किस्म की लड़कियाँ जो होती हैं। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ही इज स्टैंडिंग ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट, एंड मुझे इस बात का बहुत गर्व भी है कि ही डिडंट कम ऑन द स्ट्रीट्स मधुर, यू नो टू टॉक the kind of language the other parties talking,
the abuses which are given. आप सड़क पे आके चिल्ला रही हैं कि ये रेपिस्ट है, और आप सड़क पे आके चिल्ला रही हैं कि इसने मेरे साथ ये किया है. मैं इसकी मतलब 3 दिन पहले जब उसने कहा कि मैं इसकी एनाटॉमी तक जानती हूँ, मैं इसके प्राइवेट पार्ट्स को भी जानती हूँ, दैट्स व्हाट स्टेटमेंट शी इशूड ऑन अ स्ट्रीट आउटसाइड द कोर्ट. तो अगर आपके साथ बलात्कार हो रहा है तो आपने एनाटॉमी कहाँ से देख ली उसकी? इट्स अ वेरी यू नो पर्टिनेंट, इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग क्वेश्चन. फिर आप कहती है कि गाड़ी में मेरा गाड़ी में जो है इसने मुझे बिठाया और मेरे साथ बलात्कार किया और मैं भागी गाड़ी से छूट के ब्रॉड डे लाइट में बरिस्ता के पास, पता नहीं क्या क्या. तो आई थिंक पीपल आर नॉट फूल्स एंड जुडिशरी ऑल्सो इज क्वाइट इंटेलिजेंट इनफ यू नो टू अंडरस्टैंड वॉट इज द मोटिव बिहाइंड दिस वुमन टू एलिगेट और टू एक्यूज अ पर्सन लाइक दिस.